तो ये देखो भाई, यहाँ बालक बैठे, यहाँ गुरु जी पढ़ा रहे हैं, बातचीत करें। समय चाल। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार, ठीक ठाक? बढ़िया सर, आप सुनाइए। अच्छा, तो आप ना पता की भर्ती आ रही है आर्मी की, थोड़ी साइड हो जाए थोड़ा। अच्छा, तो आप ना पता जी भर्ती के अभी 2 महीने पड़े हैं। हाँ जी। और पहले हुआ रेस, रेस के बाद मेडिकल, मेडिकल उसके बाद पेपर। हाँ जी। तो अभी इन बालकों का कोई रेस नहीं हुई, कोई मेडिकल नहीं हुआ, तो आप पहले से इनके पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कारण है जी, देखो पहले होता था कंपटीशन दौड़ में जी, पेपर में थी मेडलिस्ट उठती नहीं थी जी, मात्र 33 नंबर लेके बच्चा पास हो जाता था जी। अब उसके फिजिकल के साथ साथ रिटर्न में भी फिजिकल उसका बढ़ गया कंपटीशन जी, लिस्ट उठती है 80-80 के पार जी। तो कारण यही है कि मैं इनको पहले से ही तैयार करना चाहते हैं कि जब इनका फिजिकल मेडिकल हो, उनको बस बैठ के अपना रिवीजन करनी है जी। तो यहाँ बालक इस टाइम रेस की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने अभी रेस अभी ये ग्राउंड से आए हैं जी, ग्राउंड पे आएंगे मेरे पास 2 घंटे लगाते हैं, फिर ये चल जाते हैं, फिर घर बैठ के अपना पढ़ते हैं जी। मतलब कहने का भाव है सर, अपने आपने सुबह तैयारी करी फिजिकल की, यहाँ आके 2 घंटे लगाए, उसके बाद सारा दिन आप सो पो जो मर्जी करो जी। बस कारण यह है घर जाके बस 1 घंटा और देना आपने। आप इनकी तैयारी करवा रहे, गारंटी दे रहे जिंदे की पास हो जाएंगे? बिल्कुल दे रहे हैं सर, गारंटी क्यों नहीं देंगे। अब बच्चा मान लो अब 45 दिन पढ़े भर्ती को जी, 90 घंटे यहाँ लगा रहा रोज 2 घंटे देकर, 90 घंटे बाद और भी पढ़ेगा फिजिकल मेडिकल के पास, और जोर से पढ़ेगा, उसको टाइम ज़्यादा देगा, तो क्यों नहीं पेपर पास होगा? जीडी का पेपर थोड़ा नॉर्मल आवा, कलर का हार्ड आवा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा। अब जीडी का जो लास्ट पेपर हुआ था ना जो जी, उसमें बच्चे ने 27 क्वेश्चन कर पाए, जो बड़े से बड़ा धुरंधर था जी, 45 को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। ऐसा कि ऐसा सर हाई लेवल हो गया ना सर, मतलब कंपटीशन कंपटीशन बढ़ गया ना रिटर्न में, वो ही कह रहा हूँ, जो लास्ट पेपर हुआ उसमें बच्चे 45 नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया जी, कारण क्या था, पेपर हाई लेवल हो गया जी। जी जी जी। अच्छा भाई साहब, राम राम। राम राम भाई। तैयारी थोड़ी थोड़ी सी बात बहुत, तैयारी कैसी करवा रहे जी? 1 नंबर तैयारी करा रहे जी। क्वेश्चन का सुनावा समझ में? क्वेश्चन आवा जी समझ में, तभी पढ़ रहे जी यहाँ पे। अच्छा, कितने दिन हो गए? आज हो गया जी कम से कम 15 दिन हो गए जी पढ़ते हुए मेरे को। अच्छा, नवा आया? हाँ जी। 15 दिन में आया कुछ समझ? हाँ जी, सब कुछ आया अभी तक, जब मर्जी पेपर ले लो जितना पढ़ाया उसका, जब मर्जी पेपर ले लो जी। अच्छा, पूरी गारंटी है? पूरी गारंटी है, मतलब अग्निवीर बनेगा? अग्निवीर बनेंगे जी। अच्छा, तो बालक तो पूरा कॉन्फिडेंस से बैठे जी कि होवेंगे सर, होवेंगे। अच्छा, मान लो ये इतना पढ़ रहे हैं, अब इनको पता है ना सर मैं कर पाऊंगा जी, अभी जी। अब कुछ बालक ऐसे हैं जो सुबह दौड़ मारते हैं और जाकर उनके बाद कुछ किताब उठा के देखना, किताब उठाओगे फिजिकल मेडिकल के बाद, सही है। और कुछ बालक तो ऐसे, उनको पता होगा जी मैंने गुणा भाग भी नहीं आंदी, सही है बात, ठीक है, फिर उस टाइम उनको पहले गुणा भाग सिखाओ जी, तो फिर सर वो पॉसिबल नहीं है इस टाइम, 2 महीने वैसे है नहीं। तो आज वो दौड़ चला गया कि 45 दिन में पेपर पास हो जाता था, अब 2 हो रहा कि पहले से तैयारी करनी शुरू कर दो जी। जी जी जी। बालक इब आप यहाँ तैयारी करवा रहे का, आपकी एकेडमी पर रहने का खाने का प्रोग्राम भी आज बालक दूर त्या? हाँ सर, हमारे जैसे तो बच्चे हैं जैसे इनका फिजिकल नहीं हुआ है, तो लोकल बच्चे हैं, अब मेरे पास दूसरे बाहर से अब जो धाना भर्ती हुई है वहाँ के बच्चे आ रखे हैं, उनका बैच 9 बजे के बाद शुरू हो जाता है जी, उसके बाद मेरे पास सारी रात सारा दिन मेरे पास ही है, उनके लिए फिजिकल सॉरी रहने खाने की सुविधा मैंने हॉस्टल ले रखा है, वहीं आया। जीडी में क्या सब्जेक्ट आवा जी? जीडी में सर ये देखो, जीडी में आएगा सर आपका जीके, साइंस जी, मैथ और रीजनिंग जी, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके। आप चारों सब्जेक्ट की तैयारी करवाओ? हाँ, मैथ वैसे मैथ पढ़ाता हूँ, और भी टीचर है जो अलग से साइंस पढ़ाएंगे, जीके पढ़ाएंगे, रीजनिंग कराएंगे, मतलब अलग अलग टीचर? अलग अलग टीचर, एक टीचर नहीं कि सभी एक टीचर ही कराया जा रहा है, मतलब खिचड़ी या दलिया कटे मंगा रहे? सारे टीचर जो हैं सर अपने अपनी फील्ड के मास्टर हैं, साइंस का अपना सर है जो फील्ड मास्टर है, मैथ के अलग हैं, जीके के अलग हैं और रीजनिंग के अलग हैं, मतलब यहाँ जीडी के बालक हैं, क्लर्क के भी हैं इसमें, क्लर्क के बैठे हैं क्योंकि अभी मैं मैथ करा रहा हूँ, इसमें मैथ क्लर्क में मैथ भी आएगा जी और जीडी में भी मैथ आएगा, इसलिए क्लर्क जीडी और क्लर्क के बच्चे मिक्स बैठे हैं जी। आपने क्वेश्चन लिखे जी, इसका आप इन आंसर दे दिया बालकों ने? इन्होंने दे दिया सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन लिखे जी उनका आंसर देखेंगे जी कितनी देर में? हाँ जी, हाँ जी, बोलो, लिखो जी आप क्वेश्चन, लिखो तो देखेंगे भाई, पहले बोल दूं इनको? बोल दो। हाँ जी, बोल दो। विपिन 450 मीटर चौड़ी सड़क, विपिन 450 मीटर चौड़ी सड़क 9 सेकंड पार कर लेता है, 450 मीटर चौड़ी सड़क 9 सेकंड पार कर लिया, उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा कितना है भाई इसका आंसर? 180 किलोमीटर पर आवर भाई। तो भाई वाह जी वाह गुरु जी, आप ना देखो भाई
आपने बतेरी अकेडमियां देखी होंगी, आंसर एक मिनट में, मिनट भी नहीं हुआ सेकंड में आंसर बता दिया आप गुरु जी। कितने दिन सारे बालक आ जाए, कितने दिन हो गए ना तैयारी करते? तैयारी सर ये अभी नया बैच शुरू हुआ था। अच्छा, इन ये नया बैच 15 दिन हुए इनको शुरू हुए। अच्छा हाँ, तो मतलब पूरा गढ़ चैप्टर का जो पहला दिन ही था, अब मैंने 5 क्वेश्चन कराए, मतलब पहले दिन में यही हाल है इनका। अब मान लो एक चैप्टर जब पूरा होगा, जब इनके अब यहाँ से हिसाब लगा लो, जब इनका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फिर कितने आगे निकलेगा खुद देख लीजिए। सही है बात। तो भाई ये अकेडमी है, जो भाई यहाँ आना चाह भाई या भर्ती के बाद आओ, जैसा प्रोग्राम होएगा रेस कर गए आप पहले ही आना चाह तो यहाँ आ सकते हो। तो एक बार एड्रेस बता दो, अपना नंबर बता दो जी। सर ये इसका एड्रेस है शहीद भगत सिंह अकेडमी है, यमुनानगर में तेली स्टेडियम के बिल्कुल पीछे है सर, अपोजिट है। आप तेली स्टेडियम आ जाइए, वहाँ से हम आपको पिकअप कर लेंगे, या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जहाँ भी आएंगे हम आपको वहाँ से ले लेंगे जी। अपना नंबर बता दो जी एक बार। मेरा नंबर है सर 7015921660 जी। तो एक बार भाई स्क्रीन पर भी दिखा देंगे जो नंबर है गुरु जी का, बातचीत कर लियो भाई, जैसा प्रोग्राम रहेगा आप बात कर लियो, पेपर के वास्ता आप गारंटी दोगे जी? बिल्कुल सर गारंटी है सर, मतलब जो यहाँ का बालक होगा वो पेपर में जाएगा नहीं कहेगा 10 मिनट पहले मैंने पेपर कर दिया ले लो। बिल्कुल, आपको एक बात और बता दूँ सर, मेरा ये नहीं है कि पहले फीस ले ली जी ठीक है, और फिर बच्चों से पढ़े ना पढ़े कोई चक्कर नहीं है, मैं फीस भी बाद में लूंगा। अच्छा, फीस पहले कोई फीस नहीं है ये सर, बिना फीस के कोई फीस नहीं रखी पहले। अच्छा, यार बिना फीस के बैठे भाई, बिना फीस के बैठे, बिना फीस के बैठे भाई, तो नहीं बोल रहा कभी उसका रखे हो अभी तक फीस नहीं दी भाई। अच्छा, फ्री सेवा, फिलहाल फ्री सेवा चल रही है अभी, मतलब यहाँ लगने के बाद कह रहे हैं? लगने के बाद सर। अच्छा, जब लग जाएंगे तब तब फीस लूंगा, वरना कोई 1 रुपया नहीं लूंगा। मतलब जो कोई बाड़ा कर रहा है क्या इनमें दे, तो उसमें दे कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं सर। वाह रे वाह, एक बार ताड़ी मार दो भाई गुरु जी बहुत। भाई हमने भी आपने भी देखी होगी अकेडमी, बहुत देखी हुआ यह बात कहा भाई, पहले फीस एडमिशन करवाओ उसके बाद क्लास में आओ, पर ही ने यह बात कही जिस दिन लग गए उस दिन पैसे लेंगे, यानी भाई कोई फीस नहीं है, फ्री सेवा नहीं है बात गुरु जी? सर यही है। अच्छा तो ठीक है भाई, आओ आप अकेडमी में बातचीत करो भाई गुरु जी दे, कुछ पूछना हो पेपर के बारे में तो ठीक है भाई। सारे भाइयों ने राम राम भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दियो, राम राम।